चलिए अब हम लोग समझते हैं कि सर्वलेट की क्या क्या प्रॉब्लम थी जिन्हें जेएसपी ने सॉल्व किया। तो सर्वलेट एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जो मानी जाती है वेब एप्लीकेशन का बेस है। अगर आप जावा के थ्रू वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो आपको सर्वलेट आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि सर्वलेट बहुत सारी एप्लीकेशन का बेस है। जैसे अगर आप स्प्रिंग एमवीसी पढ़ते हो या स्ट्रट फ्रेमवर्क पढ़ते हो तो आपको वो सारे फ्रेमवर्क जो हैं वो आप सर्वलेट पे ही आधारित है। इसका मतलब आपको सर्वलेट आनी आनी चाहिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो सर्वलेट के अंदर थी और जेएसपी ने उन्हें क्या किया है, सॉल्व किया है। तो डिसएडवांटेज ऑफ सर्वलेट, और सबसे पहला पॉइंट है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, स्टैटिक कंटेंट्स आर जनरेटेड बाय जावा फ्रॉम इनसाइड सर्वलेट, डिजाइनिंग इन सर्वलेट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसका मतलब होता है अगर आप सर्वलेट यूज़ करोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ से जब भी कोई रिक्वेस्ट सर्वलेट को आएगी, दैट मीन्स सपोज रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई, तो अब आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले प्रोसेस करना है। प्रोसेस कर लेंगे, प्रोसेस करने के लिए आप वही काम करोगे, डू गेट या डू पोस्ट मेथड ओवरराइड करोगे और सिंपली यहाँ पे काम करोगे, और यहाँ से आप जनरेट करोगे HTML। दैट मीन्स सबसे कठिन काम यहाँ से आपको डिज़ाइनिंग करनी है, सारा काम आउट डॉट प्रिंटेलन के अंदर करना है। तो जो भी करना है आउट डॉट प्रिंटेलन के अंदर लिखना है, दैट मीन्स आप बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, और कर भी सकते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा। जब यहाँ से आप HTML प्रिंट कर दोगे उस केस में ये जाएगा एज अ रिस्पॉन्स क्लाइंट के पास। तो ये बहुत ही टायरसम प्रोसेस है और बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है कि आप सर्वलेट के अंदर, जावा के अंदर ये सारा काम करो। इस चीज़ को जेएसपी ने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। जेएसपी ने कहा भैया कि अब आपको ये काम करने की ज़रूरत नहीं, अब जावा के अंदर आपको HTML नहीं लिखना, अब आप सिंपल क्या करिए, सिंपल एक जेएसपी पेज बनाइए। लेट अस सपोज हम लोगों ने होम डॉट जेएसपी बना लिया, और इस होम डॉट जेएसपी में नॉर्मली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग HTML लिख सकते हैं, और जब आपको ज़रूरत पड़े, लेट अस सपोज आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है यहाँ पे जावा लिखने की, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे टैग लगा के आप जावा भी लिख सकते हो, बहुत इजी, आप यहाँ पे जावा भी लिख सकते हो। तो ये सारे टैग्स अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे हम टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है, जेएसपी को कैसे लिखते हैं, सारी चीज़ समझेंगे। बस अभी आप इतना समझो कि पहले हम लोग के सर्वलेट में क्या था, जावा के अंदर से HTML लिखना पड़ता था, बहुत ही मुश्किल काम था वो। लेकिन अब क्या हो गया, जब आप जेएसपी आ गई, इसका मतलब अब जेएसपी पेज के अंदर से हमें क्या लिखना है, HTML लिखना है, मतलब हमें जेएसपी के अंदर HTML लिखना है, HTML लिखना है, HTML लिखना है, और उसी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हमको जावा की ज़रूरत पड़े तो हम उसको जावा को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये वाली प्रॉब्लम इसने सॉल्व किया। इसका मतलब पहले क्या था, हम लोग स्टैटिक कंटेंट जनरेट कर रहे थे फ्रॉम डायनेमिक कंटेंट, और अभी HTML में क्या है कि हम लोग स्टैटिक कंटेंट के अंदर क्या लिख सकते हैं, डायनेमिक कंटेंट। तो बहुत ही ये आसान हो गया काम करने के लिए। जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो और हम लोग को समझ में आएगा कि ये कौन सी प्रॉब्लम थी और इसको कैसे जेएसपी ने सॉल्व किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, फॉर एवरी रिक्वेस्ट इन सर्वलेट यू हैव टू राइट सर्विस मेथड विच इज वेरी टायरसम प्रोसेस। ये आपको क्या करना पड़ा था, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी रिक्वेस्ट होती हैं, एन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट होती हैं, एक रिक्वेस्ट, दो रिक्वेस्ट, तीन रिक्वेस्ट, चार रिक्वेस्ट, इसी तरह रिक्वेस्ट आपके प्रोजेक्ट में बढ़ती जाती हैं। लेट अस सपोज आप एक सोशल नेटवर्किंग साइट बना रहे हो तो उसमें जो क्लाइंट होगा वो एन नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेगा, और सर्वलेट में प्रॉब्लम ये थी कि हर एक रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए एक सर्वलेट आपको बनाना पड़ रहा था, और सर्वलेट के अंदर आपको सर्विस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ रही थी, सर्विस मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ रही थी। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके पास बहुत सारे सर्वलेट हैं तो आप कितने सर्वलेट, कितने रिक्वेस्ट, आपके पास बहुत सारे सर्वलेट हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहे हो, और आपको बार बार हर एक रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए सर्विस मेथड लिखना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़्यादा टायरसम प्रोसेस है, दैट मीन्स थकाऊ प्रोसेस है। आप लोग बार बार सर्विस लिखोगे हर एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट, अगर आप खुद सोचिए इससे कोई आपको सोल्यूशन मिल जाता है, दैट मीन्स आपको सर्विस मेथड नहीं लिखना और आपकी रिक्वेस्ट भी प्रोसेस हो जा रही, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट काम कर सकते हो। कोई रिक्वेस्ट आएगी विदाउट सर्विस मेथड क्या हो जाएगी, वो अपने आप से प्रोसेस हो जाएगी। तो जेएसपी ने यही प्रोवाइड किया, जेएसपी ने कहा कि भैया आपको अब ये सर्विस मेथड ओवरराइड नहीं करना, ओवरराइड नहीं करना, दैट मीन्स अब आपको खुद से नहीं लिखना है,
जावा ऑटो जनरेटेड सर्वलेट इसका बना देगा, दैट मीन्स अपने आप ये कोड लिख जाएगा। अब आपको रिक्वेस्ट को अगर हैंडल करना है तो आप टैग लगा सकते हो, जिसको हम लोग स्क्रिप्टलेट टैग बोलते हैं, ये टैग लगा सकते हो और आप यहाँ पे इस टैग के अंदर डायरेक्ट वो कोड लिख सकते हो जो कोड आप पहले सर्वलेट में लिखा करते थे। दैट मीन्स अब हमारा काम और भी आसान हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल एक जेएसपी का पेज बना सकते हैं और जेएसपी का पेज, और हम उस पेज पे कोई दूसरी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और बिना किसी प्रोसेस रिक्वेस्ट मेथड को ओवरराइड किए हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये टैग लगा के उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं और फिर हम यहाँ से जो रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे वो रिस्पॉन्स सिंपली क्लाइंट को वापस चला जाएगा। दैट मीन्स अब हमें बार बार सर्विस मेथड भी नहीं लिखना, डू गेट और डू पोस्ट भी नहीं लिखना, जो हम लोग लिखा कर देते हैं। लास्ट और थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। दो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो जेएसपी ने दे दिया, अब यहाँ पे थर्ड सोल्यूशन है, व्हेनेवर मॉडिफिकेशन इज मेड इन कंटेंट इन स्टैटिक कंटेंट दैट मीन्स प्रेजेंटेशन लॉजिक देन सर्वलेट नीड्स टू रिकम्पाइल एंड रीडेप्लॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग जब सर्वलेट बनाते थे यहाँ पे और हम लोग इसके अंदर अपना प्रेजेंटेशन लॉजिक लिखते थे, दैट मीन्स हम लोग यहाँ से हम लोग क्या करते थे, आउट डॉट प्रिंट एलन लिखते थे और सारा प्रेजेंटेशन लॉजिक इसी के अंदर लिखते थे। अब हुआ क्या, लेट सपोज आपने यहाँ पे H1 लिख दिया और गलती से यहाँ टैग लगाना भूल गए, या लेट सपोज आपने सही लगाया और एक बार रिक्वेस्ट आई आपका यहाँ से रिस्पॉन्स गया, दैट मीन्स H1 यहाँ से गया और प्रिंट हो गया। अब आपको थोड़ी देर बाद लगा कि भैया ये जो फॉन्ट है ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको H1 की जगह H2 कर देते हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ पे H1 की जगह H2 किया, बट जब आपने यहाँ पे स्टैटिक कंटेंट में चेंज किया है, दैट मीन्स आपने यहाँ पे जावा कोड में नहीं चेंज किया, आपने किस कोड में चेंज किया, आपने चेंज किया है स्टैटिक कंटेंट, दैट मीन्स आपने HTML में चेंज किया, आपने कोई भी जावा का कंटेंट नहीं चेंज किया, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो H1 है वो सर्वलेट के अंदर आपने लिखा है, आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर लिखा है, तो अगर आप इसको कंपाइल कर दोगे और फिर से रीडिप्लॉय करोगे तभी चेंजेस क्या होंगे, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। दैट मीन्स सर्वलेट के केस में अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करते हो प्रेजेंटेशन लॉजिक में आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर, तो आपको पूरा प्रोसेस रिकम्पाइल करना पड़ेगा, उस सर्वलेट को पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, दैट मीन्स रिकम्पाइल करना पड़ेगा, फिर उस रिकम्पाइल्ड सर्वलेट को रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, उसके बाद ये H1 H2 में चेंज होगा, दैट मीन्स इसका बाइट कोड हमें दूसरा जनरेट करना होगा, उसके बाद ये रिक्वेस्ट आएगी तब यहाँ से जाके प्रोसेस हमारा चेंज होगा। बट जेएसपी ने इसका सोल्यूशन दिया, जेएसपी ने क्या कहा कि भैया आपको दोबारा रिकम्पाइल वगैरह कुछ नहीं करना, आप सिंपल एक जेएसपी का पेज बना लीजिए, और यहाँ पे आपको स्टैटिक कंटेंट आप सिंपली लिख सकते हो, और अगर आपको स्टैटिक कंटेंट लिख देते हो और इसी के साथ डायनेमिक कंटेंट भी होगा, दैट मीन्स जावा भी होगा, बट अगर स्टैटिक कंटेंट में आप कोई चेंज करते हो, दैट मीन्स अगर आपने इस स्टैटिक कंटेंट में चेंज किया है तो आपका जो सर्वलेट होगा वो फिर से रिकम्पाइल और रीडिप्लॉय नहीं होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स जेएसपी में आप कोई स्टैटिक कंटेंट में चेंज करते हो तो दोबारा रिकम्पाइल रीडिप्लॉय नहीं होता, इससे होता क्या है आपके सर्वर का हेडेक थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या थी, ये सारी चीज़ें डिसएडवांटेज ऑफ सर्वलेट थी जिसको जेएसपी ने क्या किया, सॉल्व किया। और अगर जेएसपी ये सारी चीज़ सॉल्व करता है तो हमारा सिंपल सी बात है, हमारा जो एप्लीकेशन होगा वो आसानी से मेंटेन हो पाएगा, डेवलपमेंट हमारा फास्ट हो जाएगा क्योंकि हमें बार बार उसे रिकम्पाइल और रीडिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा, और सर्वलेट से कम कोड होगा क्योंकि बार बार हमें सर्विस मेथड नहीं लिखना होगा, और ये जो कोडिंग होगी वो एज अ नॉर्मल पेज की तरह लगेगी क्योंकि जब लोग काम करते हैं तो HTML CSS JavaScript में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो जेएसपी हमें प्रोवाइड करेगा तरीका जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर पाएँ, टैग के फॉर्म में कोडिंग कर पाएँ, और जेएसपी हमें बहुत सारी लाइब्रेरीज भी प्रोवाइड करेगा, जैसे हम लोग की एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, उसका नाम है JSTL, जेएसपी स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी, ये लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं हम लोग जेएसपी में, एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, और ये तो कुछ टैग्स हैं प्री डिफाइंड, अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने कस्टम टैग्स भी बना सकते हो। तो जेएसपी हमें बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करने वाला है और हमारी कोडिंग अब बहुत ही आसान होने वाली है, और हम लोग जेएसपी की हेल्प से बहुत ही बढ़िया और ब्यूटीफुल वेब एप्लीकेशन
बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा जेएसपी क्या होती है, किस वजह से जेएसपी आई है, डिसएडवांटेज सर्वलेट क्या है, और जेएसपी हमें कौन कौन से फीचर्स को प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉमनली यूज टैग्स फॉर जेएसपी, जेएसपी के लिए या जेएसपी के अंदर हम लोग कौन से कॉमनली यूज टैग्स को यूज़ करते हैं, और हम लोग फटाक से टैग को पढ़ेंगे और फिर हम लोग प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जेएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जेएसपी सीख लोगे तभी आप प्रॉपर लॉगिन, लॉगआउट, रजिस्ट्रेशन, ये सारा आप काम कर सकते हो और तभी आप प्रोजेक्ट को बना सकते हो। विदाउट जेएसपी, अगर आप जेएसपी नहीं यूज़ करते हो तो सर्वलेट में पूरे सिस्टम्स को बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।